आ गया, यानी कि यूज में बड़े हैं। 15 इंच भी आ, 15 इंच डबल आ गए, ये बॉडियां आ गई। इसके बाद ये आगे ये भी डबल वन डबल टू इलेक्ट्रो वाइज कॉफी। ये आप चेक कर सकते हैं, ये काफी अच्छी चीज है यूज करने में। और ये क्या है, प्रिय मिक्सर? हाँ, ये प्रिय है, ये प्रिय को, और काफी मतलब ये जबरदस्त क्वालिटी में है। ये दुबई से इम्पोर्ट है जी, पाकिस्तान में अभी यूज नहीं हुई। पीवी 14 मॉडल है इसका, तो काफी सारे आजाद तो देख रहे भी होंगे और जानते भी होंगे जिन्होंने यूज की हुई है। बड़ी कंसोल है। और भी सामान अगर आपको चाहिए हो, ये JBL के कैबिनेट्स पड़े हुए हैं, ये माइकी वगैरह पड़ा है। अगर किसी किस्म का आपको कवर चाहिए तो कवर हम आफ्टर सोर्स सिलवाते हैं। बहरहाल ये है कि आपको कवर भी हमसे अवेलेबल हो जाएंगे अगर कॉल पे करते हैं। माइकी भी है, वो DB टेक्नोलॉजी के मोनिटर भी पड़े हैं। इसके अलावा ये गोल स्पीकर, ये वाला स्पीकर वहाँ पर यूज होता है जो बड़े हॉल वगैरह में होते हैं, और यहाँ ये पूरे पाकिस्तान में आपको किसी से भी नहीं मिलेगा जो मेरे पास आपको वैरायटी मिल जाती है। अडानिक का किसी को चाहिए, अडानिक का मिल जाएगा। ये टोवा के यूज में चाहिए अगर ओरिजिनल स्पीकर, ये सबसे ज्यादा चलते हैं ये सिस्टम में, तो ये आपको यूज में भी हमारे पास मिल जाएंगी। क्वांटिटी में चाहिए और किसी किस्म की जो है, उसके अलावा भी आप ये सिस्टम में आपको मिल जाएंगे। यूज में बाड़ियां चाहिए तो भी मिल जाएंगी। कौन से माइक चाहिए फ्रेंड्स, आप जो चेक कर सकते हैं क्वालिटी माइक्स की। कौन सी कंपनी का? ये मस्जिद एम्पलीफायर के लिए माइक यूज होते हैं। अच्छा, और काफी जबरदस्त क्वालिटी है। और इसके अलावा भी और भी काफी सारे माइक हैं। लो क्वालिटी में अगर चाहिए, एक ही ऑडियो का माइक है जो है ना, कम प्राइस में एक अच्छा माइक है। अच्छा, एक ही ऑडियो, अगर आप इसकी कॉइल भी देखें, अच्छी कॉइल इसकी लगी हुई है। और इसके अलावा बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल शप्पू कंपनी का ये माइक है, जो इसमें दो मॉडल आ रहे हैं, एक P6 मॉडल आ रहा है ये व्हाइट कलर में भी ज्यादातर लोगों को देखने को मिलता है, और ये SM59ND गोल्डन कलर का माइक है। ये क्यों ज्यादा चल रहा है इसमें, क्या असल में खास बात है? आप अगर देखेंगे SM58 जो माइक है ना, वो यूज में भी अगर आप लेते हैं ना, तो वो कम से कम 12,000-15,000 रुपए का माइक है। अच्छा, और उसकी क्वालिटी के हिसाब से है माइक का, अगर डिस्टेंस देखा जाए तो उसे, असल में ये माइक होता है, एक ओमनी डायरेक्शनल माइक होता है, एक मोनो डायरेक्शनल माइक होता है। तो हम आप कितने भी हैं, उन्हें पता नहीं होता कि ओमनी डायरेक्शनल माइक कौन सा है, मोनो डायरेक्शनल माइक कौन सा है। बहरहाल ये है कि ये एक लो क्वालिटी का, लो प्राइस में एक अच्छा माइक इस वजह से है कि इसमें जो क्वाइल लगी है बहुत अच्छी क्वाइल लगी है, और ओमनी डायरेक्शनल माइक है ये। क्या ओमनी डायरेक्शन और इसमें क्या फर्क है? ओमनी डायरेक्शनल और यूनि डायरेक्शनल का ये है कि एक माइक जो होता है वो पूरा ऐसे गुलाई में सर्कुलर लेता है, और दूसरा जो माइक है वो सिर्फ आप ऐसे मुंह के सामने करते हैं तो वो बिल्कुल उस तरह लेता है। अब वो डिपेंड करता है कि ज्यादातर वो ऐसे होता है कि जो आप का माइक आ जाता है 48 वोल्ट पे चलता है फैंटम पावर के, वो माइक ज्यादातर जो दूर से, अक्सर लोग कहते हैं जी यहाँ से माइक कैच करते हैं। अच्छा, वो मतलब उसके वो जो देखना पड़ता है वॉल्यूम को कैच करने को कहते हैं। जी, आपको इसमें व्हाइट कलर भी मिल जाएगा, गोल्डन भी मिल जाएगा, ब्लैक भी मिल जाएगा, कोई भी आपको चाहिए। अक्सर व्हाइट कलर वाले देखे हैं, व्हाइट कलर में ज्यादातर इसलिए चाहते हैं कि उसकी जो है ना ऑडियो क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, और क्वाइल उसमें जरा और अच्छी लगी हुई है, बेस वाला कम है उसमें, अक्सर ये होता है। ये देखें जी फ्रेंड्स, ये शोर कार्डलेस है और काफी अच्छे बॉक्स में ये मौजूद है। चाइना ही है ये भी, मतलब ये कि एक अच्छी पैकिंग में है, कार्डलेस में आपको ये मिल जाएगा यूज में। तो ये यूज में आप लाइटली यूज है, यूज हमारे पास ये नहीं होता कि बाहर से यूज आती है चीजें हमारे पास, भले वो चाइना की इम्पोर्टेड है या कुछ भी, इम्पोर्ट करते हैं बिल्कुल, आप देखें साफ सुथरा है इसे। तो किसी किस्म की जो है ना, लोग नए इम्पोर्ट भी करते हैं माइक, सारी चीजें यूज में भी इम्पोर्ट करते हैं, ज्यादातर यूज में
ये नए का ये होता है कि वहाँ पे कस्टम ड्यूटी बहुत बढ़ जाती है, हर बंदे को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे कम से कम 300% कस्टम ड्यूटी है, तो उस पे फिर नई चीज अगर आप 1000 रुपए की लेते हैं तो वो 3000 तो उस पे कस्टम ड्यूटी पड़ गया, और 1000 रुपए की चीज होगी 4000 का तो वो आपको पड़ रहा है यहाँ पे। उसके बाद आप उस पर सेल टैक्स डालें, उस पर शॉप्स वगैरह का देखें और अपना प्रॉफिट देखें, तो वो 1000 रुपए की चीज आपको यहाँ पे 6000 हम 6500 का भी अगर देते हैं, 500 रुपए रख के या 6000 का भी देते हैं तो कस्टमर के लिए वो इस हिसाब से थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए चाइना चीजें इसलिए ज्यादा जा रही है कि एक तो कस्टम ड्यूटी उस पर कम है और इम्पोर्टेड चीजें यूज में इसलिए ज्यादा जा रही है कि हर बंदा खरीद सकता है, उस पर टैक्स वगैरह का चक्कर नहीं आता। मामला आदमी बाहर से आता है, एक कबाड़ के सिलसिले में आता है, देखा जाता है कि कबाड़ है, बल ये है कि वो यहाँ पे कस्टम उस तरह नहीं पड़ता, उस पर तकरीबन 50% कस्टम पड़ता है, तो वो ड्यूटी वगैरह उसको देख के फिर उसके हिसाब से। और कौन से मुल्क का जो है इलेक्ट्रॉनिक की चीजें अच्छी है सर जो ज्यादा? देखे डिपेंड करता है, हर बंदा देखो देखी चलता है, कुछ बंदे तो पीवी पीवी के पीछे पड़े हुए हैं। बहरहाल अगर आप कराची चले जाएं तो कराची में पीवी नहीं है, जिससे पीवी मांगेंगे वो आपको ऐसे तंजिया नजरों से देखेगा। और बात भी ठीक है कि हम देखते हैं कि वो फलाना साउंड वाला कौन सा चला रहा है, वो बहुत हाई फाई साउंड वाला कौन सा चला रहा है, देख के नहीं चलना आप, वो देखें कि आपके लिए क्या अच्छा है। आप इसको ये ले लें कि एक गाड़ी मार्केट में टोयोटा की गाड़ी है तो वो उसका रेट वो डब्बे का डब्बा ही है, तो उसका रेट कहाँ पे है। और आप मर्सिडीज दे या बीएमडब्ल्यू देख लें, तो वो लोग ये नहीं देखते, लोग ये देखते हैं कि कंपनी चीज कौन सी है जो मार्केट की चीज हो, जो कि इजीली बाद में हम बेच सकें। आपने अगर काम करने के लिए लेना है तो चीज ऐसी लें कि जो आपके लिए अच्छी रिस्पांस हो, ये नहीं कि लॉन्ग टर्म में पास जाते हैं तो उसे कहते हैं यार कि मेरे पास साउंड है तो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो वो बंदा आपको क्यों काम देगा भाई। ये शाह साहब मोहसिन शाह साहब, इनके पास भी साउंड है, मेरे पास भी साउंड है, मैं भी पीवी लेके बैठा हूँ, ये भी पीवी लेके बैठे हैं, मुझे कोई काम क्यों देगा? मुझे काम तब भी देगा मैं अगले बंदे को कहूंगा मेरे पास ये डिफरेंट एक चीज है, मैं जो क्वालिटी आपको दे रहा हूँ मैं उसके पैसे चार्ज कर रहा हूँ। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि पूरी आप पाकिस्तान में चले जाए किसी के पास ऐसा सामान नहीं है, तो फिर कस्टमर उसकी तरफ थोड़ा सा सेटिस्फाई होता है, नहीं तो कस्टमर की नजर में तो वो डब्बा है, स्पीकर तो है नहीं। आपने अगर 1000000 का स्पीकर भी लिया हुआ है तो उसके लिए नजर में डब्बा है, काम होने के बाद वो कहता है यार इस डब्बे को साइड पे कर दे। तो ये आप चीजें देखें कि आपने अपने लिए काम कर रहे हैं, अगर तो आपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं या पैसों के लिए काम कर रहे हैं तो मुश्किल है। आप ये समझे कि मैंने कारोबार बनाना है, आपने ये समझे कि मैंने अपने लिए काम करना है। आप पहले नाम बनाए, अपनी वैल्यू बनाए, अपनी वैल्यू इतनी बना लें कि आपको कोई इस काबिल समझे कि आपकी एक कीमत हो। जब आपकी कीमत होगी, जब लोगों को आपकी जरूरत होगी तो उसकी वैल्यू होगी, जब तक आपको लोगों की जरूरत है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। तो इसके साथ मैं खुदा हाफिज करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबी होगी, तो अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा आपसे हुआ, आपने काफी चीजें बताई, लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ और लोग आपके पास आते रहेंगे इससे आपकी, क्योंकि इंट्रोडक्शन हुआ, दुकान का भी बता दिया, तो इंशाल्लाह लोग वेलकम सर, हम बैठे ही हैं आप लोगों के लिए और आप लोगों से हमने हैं, तो हमसे आप हैं। जी जी। तो दोनों मामलात बाजी कर जाता है, कुछ सामान जल जाता है, आग लग जाती है या कोई पुलिस वाले उठा के लेके जाते हैं, तो वो बिल्कुल साउंड वाला कोई टीम होता है, उसके पीछे चलने वाला कोई नहीं होता, कस्टमर जो है जिन्हें काम कराना होता है वो भी सर बस उठा के चला जाता है, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बंदे जो कमजोर हैं उनको भी लेके चला जाए, हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि दूसरे की भी सोचें, कि अपने लिए तो हर कोई सोचता है, दूसरों के लिए भी सोचें, मतलब दूसरों के लिए भी कुछ दिल में रखें। बिल्कुल। ये तो नहीं कि खाली अपने लिए जिए, अपने लिए तो दूसरों के लिए जीते तो सारे ही हैं। चलें जी, दूसरों के लिए जीना सीखें। आज के लिए इतना काफी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।